हाय एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा। जैसा कि बरसात का मौसम शुरू हो गया है, ऐसे में आप तो भीग ही जाते हैं, तो भीगने से सर्दी जुकाम हो जाता है, तो उसे हम कम करने के लिए अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए, तो उसके लिए हम बनाने जा रहे हैं एक काढ़ा। तो चलिए देखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। ये मैं एक गिलास काढ़ा बना रही हूँ एक जने के लिए। आप अपने हिसाब से आपको कितने जनों के लिए काढ़ा बनाना है उसकी क्वांटिटी रखिएगा। ये लिए मैंने 4-5 काली मिर्च, 4 लौंग, 3 हरी वाली इलायची छोटी और एक आधा कटा अदरक का टुकड़ा, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का और कड़ी पत्ता। और इसके स्वाद को और बढ़ाने के लिए मैंने आधा नींबू लिया है और चुटकी भर काला नमक और लिया है एक गिलास पानी। तो चलिए पहले अदरक और तेज पत्ता को छोड़ के काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी को हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। चलिए अब हम काली मिर्च, लौंग और हरी इलायची और दालचीनी को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इसको हमें हल्का सा भूनना है। इसको हमें 5-6 मिनट तक भूनना है, फिर आपके पास कूटनी तो होगी, उसमें हमें इसे कूट के इसमें अदरक को भी कूटना है। फिर हम करेंगे बॉयल पानी। जैसा कि है भून चुका है, अब हम इसे अपने कूटनी में डाल लेते हैं। जैसे कि हमारा सारा मसाला भुन चुका है और हमने इसमें आधा कटा हुआ अदरक भी डाल दिया, अब हम इसे कूटनी से कूटेंगे। जैसे कि मैंने कूटनी में सारा मसाला कूट लिया है, अब हम एक बाउल में एक गिलास पानी को गर्म करेंगे। जैसे कि हमारा पानी बॉईल हो रहा है, हम इसमें ये मसाला डालेंगे और अपने दो कड़ी पत्ता के लीव्स डालेंगे। अब हम इसे जब तक सारा मसाला अपना कलर नहीं छोड़ देता, कलर आ जाता है इसमें पानी में, तब तक हम इसे उबालेंगे। 2-3 उबाल हमें इसे उबालना है। जैसा कि ये इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा उबल रहा है, हमें ऐसी बिल्कुल लो फ्लेम पे 5-10 मिनट तक उबालना है, जब तक का ये आधा ना रह जाए। ये देखिए अच्छा सा सब इंग्रेडिएंट्स ने अपना कलर छोड़ चुका है और हमारा काढ़ा पीने के लिए तैयार है। हम इसे हल्का ठंडा होने के लिए रख देते हैं, फिर इसे गिलास में सर्व करेंगे और उसमें थोड़ा इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए चुटकी भर काला नमक और आधा नींबू का रस मिलाएंगे। जैसा कि हमारा काढ़ा बनके तैयार हो चुका है, हम इसे अब थोड़ा सा और टेस्टी बनाने के लिए चुटकी भर डालेंगे काला नमक और एक डालेंगे आधा नींबू का रस, फिर इसे मिक्स कर लेंगे। तो जैसा कि इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा बनके तैयार हो चुका है, ये आप बरसात में पीजिए या आपको सर्दी जुकाम है कभी भी पीजिए, ये आपकी इम्यूनिटी बूस्टर को और ज़्यादा बढ़ाएगा। जैसा कि ये हमारा मसाला बच चुका है, आप इसमें आधा गिलास दूध और आधा गिलास पानी डाल के इसमें चाय पत्ती डाल के चीनी डाल के अपने लिए चाय भी बना सकते हैं। तो हमारा आज एक तो आपकी चाय भी बन गई इम्यूनिटी बूस्टर वाली चाय,
और एक बन गया इम्यूनिटी बूस्टर वाला काढ़ा। तो आज का वीडियो आपको मेरा कैसा लगा इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।